नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी में। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका भी अगर यूको बैंक में कोई अकाउंट है, फिर वो चाहे सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट, तो उसकी पासबुक आप मेंटेन करते होंगे। जनरली क्या होता है कि आपके पास एक फिजिकली यानी कि छोटी सी पासबुक होती है, उसको आप बैंक में जाते हैं और वहां से उसको जो है उसमें अपनी एंट्री, ट्रांजेक्शन की एंट्री करवाते रहते हैं, और वन बाय वन करके जो है वो पासबुक आपके लिए मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी चाहिए। मनी तो खर्च में नहीं लगता है, टोटली फ्री है, लेकिन कम से कम टाइम तो आपका इन्वेस्ट होता ही है, और साथ में आपको जो है कई बार असुविधा का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर जो है बैंक की मशीनें वगैरह जो है एंट्री की खराब ही रहती है, और कई बार हो भी जाती है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि बिल्कुल खराब ही रहती है, लेकिन जो काम आपको ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने घर बैठे कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, तो उसके लिए बैंक में फिर क्यों जाना। तो आज इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि यूको बैंक में अगर आपका अकाउंट है, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, पीपीएफ अकाउंट हो, या फिर कोई भी अकाउंट हो, उसकी पासबुक को आप अपने यूको बैंक की एम पासबुक जो है ऐप का यूज करके अपने मोबाइल में ही कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसे हर एक ट्रांजेक्शन पर आप जो है अपनी नजर रख सकते हैं और उसका रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उस ट्रांजेक्शन की प्रिंट आउट या फिर उसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, उसको भी ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सकता है आपको बहुत ही आसान या फिर छोटी सी लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि पासबुक आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसी से आप अपने अकाउंट पे जो है नजर रखेंगे कि कितने आपके अकाउंट से पैसे क्रेडिट हुए हैं, कितने डेबिट हुए हैं। तो ये चीज अगर आप कर लेंगे तो आपको फिर जो है फिजिकली अपनी अकाउंट की पासबुक को मेंटेन करना कोई जरूरी नहीं है और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कर लेंगे तो सारा रिकॉर्ड आपके पास ऑनलाइन ही होगा। तो ये देखते हैं इस वीडियो को शुरू से आखिर तक, ताकि इसका कोई भी स्टेप रह ना जाए। दोस्तों, वीडियो जरा सी भी अगर आपको काम की लगे तो इसको लाइक कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, क्योंकि काम की और अच्छी चीज जितनी स्प्रेड की जाए उतनी बेटर होती है, क्योंकि आपके साथ साथ किसी आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव या किसी फ्रेंड को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी वीडियोज बना लूँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन से क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ उस बटन के जस्ट साइड में आपको एक बेल आइकन दिखाएगा, आप उस बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपके सामने तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी काम की वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। यूको बैंक की पासबुक को ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप है जिसका नाम है यूको एम पासबुक, वो ऐप आपको जो है डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है सबसे पहले। तो उसके बाद आपको फर्स्ट टाइम उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आप उस पासवर्ड का यूज़ करके कभी भी उस ऐप में लॉगिन करके अपनी जो है पासबुक देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे आपको यूको एम पासबुक को कुछ इस तरह से इंस्टॉल करके आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको करना है कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे एग्री। एग्री करने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है जिस अकाउंट की आपको पासबुक चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको जिस अकाउंट के साथ आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो नंबर डाल के प्रोसीड कर देंगे, यहाँ पर अलो कर देंगे। उसके बाद इस पे यस कर देंगे। यस करने के बाद अब आपके पास एक यूको बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको करना है सबमिट। अब यहाँ पर आपको अपना एम पिन क्रिएट करना है, जिस एम पिन के थ्रू आप हर बार यूको बैंक की जो ये एम पासबुक ऐप है उसमें लॉगिन करेंगे, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट करके सबमिट करके आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो देखिए, अब इसने लॉगिन के लिए वही एम पिन आपसे मांगा है, तो वो एम पिन आप यहाँ डाल के लॉगिन कर लीजिए, और हर बार आपको यही एम पिन डाल के इस ऐप में जब भी आप लॉगिन करना चाहे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे पेज ओपन होगा। अब फिलहाल ये होम पेज पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, लेकिन अगर मैं इसको ये देखिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे, इसके जस्ट साइड में अकाउंट इन्फो का एक ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपकी जो है अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी, जो भी अकाउंट नंबर आपने इसमें सेव किया। ये देखिए, यहाँ पे ये सारी आपको अकाउंट नंबर, सब अकाउंट की जो डिटेल है इस पे जो है
आपको सारी की सारी शो हो जाएगी। अब अगेन जैसे इस पर क्लिक करेंगे होम पेज पे वापस से आइए, उसके बाद आपको क्लिक करना है पासबुक पे। पासबुक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे कुछ इस तरह पेज खुलेगा। नीचे अगेन आपको एक पासबुक का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके जितने भी ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में, ये देखिए यहाँ से आप नेक्स्ट पेज कर सकते हैं या पीछे से दोबारा से आगे पीछे, ऐसे जो है हर एक पेज में पीछे से पीछे तक की जो है ट्रांजेक्शन सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह से जो है अपनी पासबुक जो है ऑनलाइन जो है यूको बैंक के लिए देख सकते हैं। साथ ही साथ इस पासबुक को आप ये शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो शेयर भी कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। आप चाहें तो इसी ऐप के जरिए अकाउंट स्टेटमेंट भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा या मैंने मेरे चैनल पे आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो इसकी डिटेल स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं पासबुक से, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करनी है। फिलहाल आज सिर्फ ये वीडियो पासबुक के लिए थी, तो इस वीडियो को यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं। उसके बाद आप जो है इस ऐप से लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन मेरी मेहनत को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे या वीडियो को डिसलाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो आपके काम आई या नहीं आई। और साथ ही साथ दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो के नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी इतनी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक वो आप लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो क्या फायदा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर इस वीडियो से रिलेटेड या और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।